बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आगे हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। वंडरफुल, सो वी आर गोइंग टू राइड नाउ। आ गया तू यार, ऐसे नहीं चाहिए यार, चाहिए हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज है 26 सितंबर, तो आज है संडे और आज एक बहुत स्पेशल राइड होने वाली है। आज है वन राइड रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल राइड जो होती है, प्लस साथ में है DRER जो जिस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसका 6th anniversary राइड है। तो काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है राइड, तो बने रहो मेरी वीडियो पे लास्ट तक, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाऊंगा। प्लस आपको मैं गुड न्यूज़ और देने वाला हूँ कमिंग, जो अपकमिंग मेरी राइड है उसके बारे में भी, तो सब कुछ इसी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो बने रहो मेरी वीडियो में। तो बज गए सुबह के 4:30, 5 बजे का हमारा टाइम था मीटिंग पॉइंट पर। तो चलो हर हर महादेव, करते हैं आज की रोड राइड स्टार्ट। तो मिलते हैं आपसे रोड पे। सो दोस्तों, जैसे आपको मैं बता रहा था कि अपकमिंग जो मेरी राइड होने वाली है वो कहाँ की होने वाली है और आपको मैं कहाँ लेके चलूँगा, तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जी हाँ, आपने सही गैस किया, मैं लेके जा रहा हूँ आपको केदारनाथ के दर्शन कराने। सो पहले आप करा लेते हैं अपनी बाइक की पेट पूजा, पहले पेट्रोल रिफ़िल करा लेते हैं। पेट्रोल है ऐसे, बट थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी कितने किलोमीटर हमें जाना है मुझे एक्सैक्ट हमें चेक नहीं किया कि हमें हमारा जो आज का वेन्यू कहाँ पे है। और अपनी बाइक लग रही है तो जानी पहचानी। अरे यार, ये तो अपने किशन भाई हैं। और भाई कैसे हो? सही। हाँ चलो, फटाफट से रिफ़िल करा लेते हैं टैंक, पेट्रोल फिल करा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं आगे। सो दोस्तों, क्या कह रहा था मैं आपको, बता रहा था अपकमिंग जो मेरी राइड है वो कहाँ की है। तो सही गैस किया आपने, मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, और केदारनाथ के दर्शन आपको भी करवाऊँगा। और लास्ट 3 साल से मैं हर साल जा रहा हूँ, लास्ट ईयर भी गया था, उससे लास्ट ईयर हमारा जो कोविड की वजह से नहीं जा पाए थे, उससे लास्ट ईयर हम गए थे, फैमिली को लेके गया था मैं। तो इस साल ही प्लान बन गया था, बट चार धाम की जो ओपनिंग सॉरी जो यात्रा की जो स्टार्ट डेट स्टार्ट हुई थी वो 18 तारीख से हुई थी। देन उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का ये जो सब प्रोसेसर चला था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो समझ लग रहा है कि हाँ दर्शन हो पाएंगे, इजीली हो पाएंगे। तो अब मैं कल अपनी जो है केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करूँगा घर से, और सोलो ही है इस बार तो सोलो ही जा रहा हूँ, लास्ट ईयर भी सोलो ही गया था। तो जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखते रहना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलो अब सीधा मिलते हैं आपसे मीटिंग पॉइंट पे। सो गाइस, अभी हम हैं अपने मीटिंग पॉइंट पे, एम्बियंस मॉल। ये सामने एम्बियंस मॉल दिख रहा है और ये है अपना लाइनअप मीटिंग पॉइंट। सो ऑलमोस्ट 200+ अपने राइडर्स हैं यहाँ पर लाइट के लिए। ये और ये कर मेरी बाइक, वो मेरी बाइक वहाँ पे क्या लगा स्टिकर जो भाई कहाँ है भाई? तो कोई नहीं, मास एडिट करके डाल दो, सब्सक्राइब करें। आ गया तू यार, एक करके आराम से क्यों करवा लो मैं थोड़ा सा लाइन से आ जाओ, वो लाइन से आ जाओ यहाँ पर। हेलो सर, वन राइड दुबई के वन राइड से लग गए वन राइड। तो दोस्तों ये है DRER की वन राइड। सो यहाँ से लाइनअप स्टार्ट है और ऑलमोस्ट अप्रॉक्स यहाँ पे 200+ मतलब 250 के टच करेंगे और राइडर्स हैं यहाँ पर, तो काफ़ी बड़ा ही इवेंट होने वाला है, राइड होने वाली है। Wonderful.
So we are going to ride now. So we will start the formation from here. Riding will be in group of two. File of two, so two riders will be parallel, and then there will be only marshals who are in jackets. So identify only reflector guys will be able to cross or overtake. Whosoever is going in lane, please don't change your lane, don't change the formation. So if you are behind someone or you are ahead of someone, be there. Everyone will reach together. So someone will reach 5 minutes later and the tail will reach 5 minutes late. So जो भी पहुंचने सारे को हैं, कोई छूटने वाला नहीं है. 30 किलोमीटर का राइड है, सो वी विल कंप्लीट इन अबाउट 1 आवर. एक घंटे में कंप्लीट कर लेंगे. और कोई रेस नहीं है यार, रेस नहीं है, एंजॉय करना राइड को. देयर इज नो रेस. किसी को भी ओवरटेक नहीं करना है लेन में, प्लीज. दिस इज फॉर आवर सेफ्टी. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? फोटोग्राफी के लिए बोल दो. आपको है ना गैप रखना है. ये नहीं है कि आगे वाला थोड़ा तेज चल रहा है तो आप भी तेज चल रहे हो. गैप रखोगे तभी सही रहोगे. तभी हम लोग बोलते हैं कि आप दोनों ये पहन के आओ. यस, ब्रेकिंग हमें, ब्रेकिंग के लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन रखने हैं. मिनिमम 3 मीटर्स, मैक्सिमम 10 मीटर्स, वो हमें मेंटेन करके चलने हैं. 30-40 के स्पीड में होंगे तो. सो दोस्तों, अब फाइनली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी राइड. सो अभी अपनी मीटिंग पॉइंट में ब्रीफिंग और सब कुछ आप जैसे आपने देखा सब कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ से निकल रहे हैं अपने वेन्यू के लिए. तो एज यूजल मेरी माइक की प्रॉब्लम फिर से आ गई GoPro में. यार मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. मैं क्या करूँ, मेरे माइक ने मुझे बहुत दुखी करा हुआ है. तो आज भी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है वीडियो में बिकॉज ऑफ माइक. सो एनीवेज, बाकी तो आपको फुटेज अच्छी लगी रही होंगी. तो बाकी इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार. बहुत जगह से ट्राई कर लिए माइक लेने की, पर कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा ठीक का. अच्छा कोई सोल्यूशन या माइक मिल नहीं रहा ढंग का. यार किसी भाई को पता हो कि गुड माइक फॉर GoPro 8 जिससे मैं अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकूं तो प्लीज यार कमेंट में बताना. अंकित मलियान, अरे देव दे दूंगा उसको. रोहित के नाम से रोहित, रोहित अंकित मेरा नाम. देखो मेरा नाम. पराठे भी आ गए. क्या क्या है आपके ब्रेकफास्ट में? सबसे छोटी से शुरू करते हैं. गुलाब जामुन है, ये क्या आलू की, और ये क्या है, पोहा, कर्ड, पराठा. और अभी आना है और बाकी तो पराठे. खाने वाले भी, खाने वाले भी खड़े हैं जी. खाने वाले भी खड़े हैं जी. खाने वाले भी खड़े हैं. आपका एक ट्रांजिस्टर है, तभी तो बुलाया. बिना सेल, बिना बिजली, बिना मीटर का. बाकी आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. इट्स अ वेरी गुड ग्रुप. इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के वर्किंग करने वाले, हर तरह के एज ग्रुप के. और सबसे बड़ी बात है कि सबके अंदर एक जो बाइकिंग का जज्बा है उसको मैं हर बार देखता हूँ. हर राइड में नए बच्चे आते हैं, पुराने हम लोग भी हैं, तो बड़ा अच्छा फीलिंग होती है. कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे को फोन किया कि मैंने कुछ ढांचा बनाया है, एप्लीकेशन डेवलप कर दूं क्या. मैंने कहा कि TRR के पैसे नहीं होते, हम लोग कंट्रीब्यूशन भी चलते हैं और जितना आता है कंट्रीब्यूट कर लेते हैं. उतने पैसे नहीं चाहिए यार. चाहिए चलो कोने में.
ये हमारे पहली बार आए हैं लक्षित, इनका मोटरसाइकिल हाउस है नारायणा में, अगर बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम है छठा नंबर आएगा। चलो लौंडे लौंडे काट लो। बहुत बढ़िया, अरे आगे हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। सो दोस्तों आज के ब्लॉग यहीं पर खत्म करता हूँ। अपने बाइक पे आ गया है वापिस, अब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। तो रास्ते की क्या वीडियो दिखाऊंगा आपको, तो होप आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको उत्तराखंड से मिलेगी, केदारनाथ की यात्रा करने जा रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा, तो केदारनाथ के दर्शन आपको भी करवाऊँगा, देखते हैं बाकी जाके। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।